हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंटरनेट बैंकिंग के सहायता से एटीएम का पिन कैसे जनरेट किया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एटीएम का पिन जनरेट किया जाता है इंटरनेट बैंकिंग के सहायता से, तो यहां पे अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पिन बनाते हैं इंटरनेट बैंकिंग के सहायता से, आप इस पिन से तुरंत ही ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अगर आप SMS या ATM में जाके पिन बनाते हैं, ATM का पिन जनरेट करते हैं, उससे जो है आप ट्रांजेक्शन तुरंत नहीं कर सकते हैं, उसको पिन को जो पहले आप उसको चेंज करना पड़ता है, तभी आप उसे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है। जो है आप इंटरनेट बैंकिंग के सहायता से अगर आप पिन बनाते हैं, इसमें कभी भी किसी समय आप बनाइए, तुरंत जो है आप पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ATM से आप निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भूल चुके हैं ATM का पिन, तब पर भी आप इसमें नया ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले आपको मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है www.onlinesbi.com। जैसे ही लिखेंगे, इसको सर्च कर देंगे, तो सर्च करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है लॉग इन पे, तो आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लॉग इन पे आप क्लिक करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू लॉग इन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूजर नेम आपको भरा जाएगा। यूजर नेम भरने के बाद पासवर्ड, उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको भर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे वीडियो देख के यूजर नेम और पासवर्ड भूले हुए पता कर सकते। आप इंटरनेट बैंकिंग चालू करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे यूजर नेम और पासवर्ड को बनाया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सो दोस्तों, चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आपका अकाउंट में नाम होगा SBI खाते में, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे आप ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भूल चुके हैं, उसका भी आप जनरेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई सर्विस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अपने डैशबोर्ड में आके। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा जो है ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देखिए ATM कार्ड सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो फिर से कुछ नया एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ATM पिन जनरेट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज चूज योर ऑप्शन टू वैलिड। तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP के द्वारा आप करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के सहायता के द्वारा करना चाहते हैं। तो चलिए हम इंटरनेट बैंकिंग के सहायता के द्वारा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद हमको यहाँ पे जो है प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा। तो जो भी आपका है प्रोफाइल पासवर्ड, वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगर आप भूल चुके हैं या आप बनाना चाहते हैं प्रोफाइल पासवर्ड, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जिस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपको नाम दे देना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर के नीचे में जो एक बिंदा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा यानी कि आप जो भी पिन रखना चाहते हैं, जो भी पिन आप जनरेट करना चाहते हैं, उसका जो है दो अंक आप यहां पे टाइप कीजिए। जैसे कि ATM का पिन का आता है 4 अंक, तो यहां पे अपने मन से आप कोई भी 2 अंक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे अपने मन से कोई भी 2 अंक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके SBI अकाउंट के साथ लिंक होगा, उसमें 2 अंक का जो है ATM का पिन आया होगा मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो है
ले लेते हैं। सबसे पहले जो आप मन में रखे हैं वही आपको यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद जो आया है उसके बाद वो टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू एटीएम पिन नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी कि मेरा जो है बन चुका है। तो आप इसी तरीके से एटीएम पिन को जनरेट कर सकते हैं। अगर सो दोस्तों आप इसी तरीके से नया एटीएम कार्ड का भी पिन जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भूल चुके हैं एटीएम का पिन, वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आप हमें पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर और भी कोई टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, जल्द से जल्द हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के हाजिर होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।